हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एआई टूल चैट जीपीटी के बारे में जानेंगे। अगर आपको भी चैट जीपीटी का यूज़ करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। तो आइए हम जानते हैं चैट जीपीटी को और बेहतर किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन को अपने क्रोम के एक्सटेंशन में इसको यूज़ करना है, AIPRM एक्सटेंशन। इसको आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप AIPRM फॉर चैट जीपीटी करेंगे और इसके एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करेंगे। इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के बाद आपको सिंपली इसको पिन करना है और इसके बाद आप इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो हम लोग यहाँ पे कमांड देते थे उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड है। तो आइए इसको हम जैसे कि आप टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले आप टॉपिक पे जाएंगे तो टॉपिक में आप कॉपी राइटिंग, डेवलपमेंट, जनरेटिव AI, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, SaaS, SEO, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अनसिक्योर। और इसी तरीके से एक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको सेगमेंट मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको शॉर्ट बाय किस तरीके से चाहिए, ट्रेंडिंग चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, लेटेस्ट अपडेट के साथ चाहिए, आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी का 4 भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी 4 ब्राउजिंग, जैसे कि यहाँ पे मेरे को लेटेस्ट अपडेट के साथ चाहिए। तो यहाँ पे आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यूट्यूब वीडियो का आइडिया ले सकते हैं, वेब स्टोरी, ट्रॉपिकल अथॉरिटी, प्रॉम्प्ट जनरेटर फॉर चैट जीपीटी। आप काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं फुल्ली। अगर आप SEO का वर्क करना चाहते हैं तो आप उससे भी FAQ ले सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर यूज़ है और काफ़ी समय से इसको सारे जो डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी ब्लॉग जो क्रिएट वो सारे इसको यूज़ करते हैं इस हवाले एक्सटेंशन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप इनमें से जैसे कि मेरे को अनलिमिटेड यूट्यूब वीडियो आइडिया पे आप क्लिक कर सकते हैं और यूट्यूब से आप क्या हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को AI बेस्ड वीडियो की ज़रूरत है तो मैं इसको इसको अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करके इसको सेलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद ये आपको सारे सजेशन दे देगा यूट्यूब वीडियो आइडिया जनरेटर में, जैसे कि आपको निश जनरेट, न्यू आइडिया जनरेट, आइडियाज करके देगा डाटास। और अगर आपको इससे रिलेटेड चैट जीपीटी के और भी अगर कमांड देना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको और आपको SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल के लिखवाने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कीवर्ड को टाइप करेंगे। जैसे कि मैं YouTube के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहता हूँ तो मैंने YouTube की जगह अपना कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया और एंटर कर दिया। ये मेरे को सबसे पहले आपको आउटलाइन ऑफ द आर्टिकल क्या क्या हो सकते हैं यूट्यूब के, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री क्या है, इम्पैक्ट क्या है, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, ग्रोइंग कैसे कर सकते हैं, एनालिटिक्स क्या होता है, ट्रेंड क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या हो गए, आउटलाइन हो गए आर्टिकल के। इसके बाद यहाँ से आपको ये आर्टिकल लिखने के आपको दे देगा। ये सारा हमारा आर्टिकल लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है और अपने वर्ड फाइल पे या फाइल में आपको पेस्ट कर देना है और उस चीज़ को अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट या जो भी आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेहतर टूल है, आप इससे ब्लॉग लिखवा सकते हैं, आप इससे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ऑप्टिमाइज आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQ। और ये जो आपको आर्टिकल लिख के देगा वो 1000 से 1500 आपको वो सारी चीज़ें। अगर आप टाइटल जनरेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैं 10 टाइटल जनरेट कराना चाहता हूँ और मेरा कीवर्ड क्या होगा, यूट्यूब ही होगा। ये मैंने सिंपल ये आपको बस सीखने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें टोटल 10 हमें टाइटल जनरेट करके दे चुका है। तो इस तरीके से हम इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ इसको शेयर करें और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके सजेशन भी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।